हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के सेशन में अपन डिस्कस करते हैं बेटा 15 ग्रुप एलिमेंट्स में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को। देखिएगा, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, इसमें देखिएगा ऑक्सो एसिड को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है उसको अपन डिस्कस करेंगे। कि देखिएगा यहां पर इन ऑक्सो एसिड फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम। जो फास्फोरस एटम है वो अदर फास्फोरस एटम के साथ, या आप कह सकते हैं कि अदर एटम के साथ वो अटैच रहेगा इस तरीके से, टेट्राहेड्रली फॉर्म में अदर एटम से अटैचमेंट शो करता है। इसमें देखिएगा जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर में आप बात कर सकते हैं कि फास्फोरस जो होता है वो दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है। ऑल दीज एसिड्स कंटेन एट लीस्ट वन पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बनाएगा एंड वन पी ओ एच बॉन्ड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन शो करता है अपने जनरल स्ट्रक्चर में इस तरीके से। देखिएगा फास्फोरस डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है यहां पर। इसके नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहां पर टू टाइप के ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर। और ये टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो देखिएगा वन बाय वन करके अपन फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके फर्स्ट है बेटा हाइपोफॉस्फोरस, और इसी को फॉस्फिनिक एसिड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। क्या हो जाएगा बेटा? H3PO2, जिसे क्या कहा जा रहा है? फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फिनिक एसिड। देखिएगा ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड को आप कह रहे हैं बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसमें बॉन्डिंग को देखते हैं, फॉस्फिनिक एसिड भी इसको कहा जाता है H3PO2। इसमें देखिएगा बेटा टू pH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वन POH बॉन्ड और वन P डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर देखिएगा इसका इस तरीके से, तो यहां पर एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड हो गया और एक हो गया आपके POH और दो बॉन्ड हो गए pH बॉन्ड। इनको क्या कहा जाता है बेटा? pH बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस वन होती है, फास्फोरस की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहां पर। कौन से कंपाउंड में बेटा, कौन से ऑक्सी एसिड में? हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फिनिक एसिड H3PO2 में। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से इसको फॉर्म किया जा रहा है। तो यहां पर देखिएगा बेटा, जब व्हाइट फॉस्फोरस को बेसिक मीडियम में ट्रीट करवाया जाता है तो एक पीपीटी बनता है, पीपीटी को H2SO4 के साथ ट्रीट करवा लेते हैं। देखिएगा यहां पे व्हाइट फास्फोरस लिया गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में इसको डीप किया जाता है या ट्रीट किया जाता है, जिससे एक पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बन जाती है। ठीक है, अब इस पीपीटी वाले कंपाउंड्स को या पीपीटी को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे H3PO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड आता है बेटा आपके, सेकेंड है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को फॉस्फिनिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहेंगे आप इसको? फॉस्फिनिक एसिड। और ये होता है बेटा H3PO3। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा? H3PO3। ओके बेटा, समझ आ रहा है? सभी लोग देख पा रहे हैं? ओके, कंटिन्यू करें। इसको देखिएगा ऑक्सी एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3, और इसमें देखिएगा जो कंटेंट होता है बॉन्डिंग का, वन pH बॉन्ड होगा, टू POH बॉन्ड एंड वन PO, पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होगा, जो इजीली स्ट्रक्चर में आपके डिफाइन हो रहा है। देखिएगा यहां पर वन क्या हो गया? PO बॉन्ड। टू क्या हो गया बेटा? POH बॉन्ड। और वन हो जाता है आपके PH बॉन्ड।
क्लियर। तो देखिएगा आप कह सकते हैं 1 PH बॉन्ड, 2 POH बॉन्ड और 1 PO बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉस्फोनिक एसिड में। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहां पर +3। देखिएगा नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जैसे आपने लिया H3PO3 हो गया, अब हाइड्रोजन का 1 है तो 3 हाइड्रोजन है +3 हो जाएगा, प्लस एक्स जिसे डिटरमाइन करना हो फॉस्फोरस के लिए आप चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा एक्स प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 3 = 0। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बेटा 3 + -2 इंटू ये जो इक्वेशन है बेटा इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। कंप्लीट इक्वेशन 3 यहां आ जाएगा आपके प्लस एक्स -6 = 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके x = -3, तो x = हो जाता है +3। क्लियर क्या? इस तरीके से आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर ओके। नेक्स्ट देखिएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 का जो प्रिपरेशन रिएक्शन है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर आप P2O3 को एक्वस मीडियम में क्या करवा सकते हैं, फॉस्फोरस एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ऐसे ही PCl3 को हाइड्रोलाइज करके आप क्या कर सकते हैं बेटा H3PO3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखिएगा, प्रॉपर्टीज में H3PO3 को पायरोलाइज करवाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ओके। तो देखिएगा यहां पर H3PO3 को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन शो करता है और फॉस्जिन गैस इलेबरेट करता है। फॉस्जिन गैस लिबरेट होगी यहां पर बन जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्लियर, और फॉस्फीन। नेक्स्ट है थर्ड, ये आपके थर्ड पाइरोफॉस्फोरस एसिड। पाइरोफॉस्फोरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है बेटा आपके H4P2O5। इसमें देखिएगा ऑक्सी एसिड पाइरोफॉस्फोरस एसिड होगा H4P2O5, और इसमें जो बॉन्डिंग होगी बेटा 2 PH बॉन्ड मिलेगा, 2 POH बॉन्ड, 2 PO डबल बॉन्ड बॉन्ड हो जाएगा और 1 POP बॉन्ड मिलता है। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर देखिएगा इसका इस तरीके से होता है कि यहां पर 1 क्या है बेटा POP बॉन्ड हो गया, फिर 1 और 2 ये क्या हो गया PO बॉन्ड, और 1 और 2 PH बॉन्ड एंड POH और सेकेंड POH ओके। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +3। क्लियर, फिर प्रॉपर्टी देखिएगा PCl3 के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है H4P2O5 का हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है आपके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, 4 नंबर का है बेटा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6। देखिएगा ऑक्सी एसिड में वही बात आएगी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 और बॉन्डिंग। तो देखिएगा इसमें जो है वो 4 POH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 2 PO बॉन्ड और 1 PP बॉन्ड, ये डायरेक्ट PP फॉस्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट होगा ओके। स्ट्रक्चर देखिएगा, ये देखिएगा 1 ये क्या है इसमें PP बॉन्ड है और POH, 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 POH and POH 4 POH बॉन्ड हो जाते हैं और 2 PO बॉन्ड होता है और 1 PP बॉन्ड हो जाता है। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहती है यहां पर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा +4 होता है।
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड प्रॉपर्टी देखिएगा इसका, जैसे इसको डिकम्पोज करवाते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 है प्रॉपर्टी, जैसे इसको डिकम्पोज करेंगे ये H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड और ये फॉस्फोरस एसिड और HPO3 में डिपार्ट होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अब बात आती है बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 और ये है आपके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें H3PO4 ऑक्सीजन 4 होंगे। ऑक्सी एसिड में देखिएगा 3POH बॉन्ड, बॉन्डिंग को देखते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 में बॉन्डिंग कैसी होती है, तो 3POH बॉन्ड हो जाएगा, 1POH बॉन्ड होता है, 1PO बॉन्ड होता है और 3POH बॉन्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिएगा, ये 1 तो क्या हो गया PO बॉन्ड और 1, 2 एंड 3 POH बॉन्ड हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिलता है यहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलता है +5 मिलता है, ठीक है। सेम वैसे ही निकालते हैं बेटा H3PO4, जैसे यहां पर +3 आ गया +X आ गया प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 × 4 = 0, तो क्या आ जाएगा 3 + X - 8 = 0, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 - 3, तो आपके X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +5, कितना मिलेगा बेटा +5 मिलेगा, क्लियर। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में देखिएगा प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो देखिएगा पेंटा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करवा के आप क्या कर सकते हैं बेटा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ऐसे ही कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो भी क्या बन जाता है H3PO4 बन जाता है, और H3PO4 क्या होता है बेटा एसिडिक मीडियम शो करता है। पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल जो फॉर्मूला होता है बेटा वो हो जाता है H4P2O7, बॉन्डिंग देखिएगा 4POH बॉन्ड 2PO एंड 1POP बॉन्ड होता है, इसमें देखिएगा 4 बॉन्डिंग कितने हैं POH, 2 बॉन्डिंग PO बॉन्डिंग और POH 1 बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, स्ट्रक्चर जिसमें आप ले सकते हैं बेटा यहां पर ये POH बॉन्ड, यहां पर 2 PO बॉन्ड जो डबल बॉन्डेड होते हैं और 4 POH बॉन्ड होंगे, ये होते हैं 4, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट होता है फॉस्फोरस का। डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का तो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 और वाटर रिलीज कर ये क्या हो जाता है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में पॉलीमराइजेशन फॉर्म होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर देखिएगा ये कंटिन्यूअस एक चेन के फॉर्म में पॉलीमराइज चेन बनाता है जिसमें 1, 2, 3 एंड n नंबर ऑफ फॉस्फोरस कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा बेटा +5।
पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस एसिड एंड Br2 इन ए सील ट्यूब। सील ट्यूब में जब ब्रोमीन के साथ फॉस्फोरस एसिड को ट्रीट करवाया जाता है तो वो पॉलीमराइज चेन फॉर्म कर लेता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड कहेंगे। ये क्या होता है, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा, ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, ऑक्सी एसिड और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए जब बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एसिड्स विच कंटेन पीएच बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग टेंडेंसी, और इनकी क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग टेंडेंसी होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, कि 4-AgNO3 के साथ एक्वस मीडियम में H3PO2 को ट्रीट करवाते हैं तो ये Ag को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और HNO3 और H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। एक नाइट्रिक एसिड बनाता है और एक फॉस्फोरिक एसिड बना लेता है। पीएच बॉन्ड इन ऑक्सो एसिड डू नॉट आयोनाइज टू गिव H+। इसमें देखिएगा, पीएच बॉन्ड जो होता है वो आयोनाइज नहीं होता H+ देने के बाद। ओनली H+ या ओनली H एटम अटैच टू ऑक्सीजन इन POH फ्रॉम आयोनाइज एंड कॉज बेसिसिटी, और जो ऑक्सीजन से अटैच H+ है वो ही इनकी बेसिसिटी को डिफाइन करता है। MCQs देखिएगा बेटा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज +3, +1, +2, +5। तो पॉलीमेटाफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। ये एक पॉलीमराइज चेन होती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड में +3 हो जाता है, अभी अपन ने डिस्कस किया बेटा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 H4P2O6 HPO3 का होल ट्राइस, तो ये हो जाएगा आपके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो H4P2O6। ओके, इन ऑक्सी एसिड्स फॉस्फोरस इज सराउंडेड बाय ऑक्टाहेड्रली, टेट्राहेड्रली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो टेट्राहेड्रली ये अरेंज होता है, या फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड अवेलेबल होंगे। ओके बेटा, तो यहां पर देखिएगा एक चीज और आपके सामने डिस्कस होती है। यहां पर जैसे ही अपन बात करते हैं किसी भी फॉस्फोरिक एसिड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली क्या होता है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ की जब भी बात की जाती है ऑक्सो एसिड्स में, तो उनके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है। बट फॉस्फोरस एसिड की जब बात करते हैं आप, तो देखिएगा इसमें आप लेंगे इस तरीके से कि जैसे जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इसमें पीओएच बॉन्ड जो होगा वो एसिडिटी को डिफाइन ना करके किसे डिफाइन करता बेटा, बेसिसिटी को डिफाइन करता है। किसे डिफाइन करता है, बेसिसिटी को डिफाइन करेगा यहां पर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली होगी पीओएच बॉन्ड के,
जैसे जैसे पीओएच बॉन्ड इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्लियर बेटा? तो सभी में आपको यही चेक करना है कि जैसे जैसे फास्फोरस से ओएच बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा। ओके, थैंक यू।